नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हैदराबादी चैनल पे। आज मैं सिखाऊंगा आप ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी निवेदन करता हूं, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप कभी फ्यूचर में मिस ना कर पाए, क्योंकि हमारे वीडियोज़ जो हमारे चैनल पर आप लोग देखते हो वो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो बनता है ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको कुछ नहीं, NSDL ऑनलाइन का क्लिक करने से अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड बोल के रहेगा, वहाँ पे क्लिक करने से आपको एक वेबसाइट खुलेगी, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है लोडिंग। अपलोड होने से अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डाल दीजिए, न्यू पैन कार्ड, इंडियन सिटीज़न है तो आप इंडियन सिटीज़न, और इंडिविजुअल बना रहे हो तो इंडिविजुअल। उसके बाद टाइटल मिस्टर है, श्री है, श्रीमती या कुमारी डालने के बाद में आपका नाम डाल दीजिए, एग्जांपल ऐसे डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, 27th। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मेट में डाल लीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद में आपका जो मेल आईडी है मैंडेटरी है दोस्तों, वो डाल दीजिएगा जो भी है, 69.com। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चा है वो केयरफुली एंटर करिएगा। सबमिट करने के बाद में आपको लोड होने के बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन विद टाइम फॉर यूजिंग पैन एप्लीकेशन ई गवर्नमेंट योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड विद ए टोकन नंबर, ये टोकन नंबर रख लीजिए एंड सेम हैज़ बीन सेंट टू यू ऑन योर ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द पैन एप्लीकेशन, काइंडली चेक द बिलो बटन टू फिल रिमेनिंग पैन एप्लीकेशन फॉर्म, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जैसा दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर ओए कोड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये पूरे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये डाला है आधार कार्ड का अपना नाम एंड डिटेल्स एंटर कीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो ऑफिशियल वो लोग देंगे, और उसके बाद में ये फादर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऐसे एंटर करने के बाद में नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि सैलरी का डिटेल्स और रेसिडेंस का, और फिर एड्रेस डालने के बाद में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालने के बाद में नेक्स्ट आप क्लिक करोगे तो फिर आपको एओ कोड पूछेगा। एओ कोड कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको एओ के लिए हेल्प के लिए यहाँ पे इंडियन सिटीजन क्लिक करने के बाद में आपका जो है स्टेट सिटी करने के बाद में यहाँ पे कोड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश मैंने लेट्स से सेलेक्ट किया है, आमलापुरम कुछ भी एक सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये कोड है, ये कोड एंटर कर दीजिएगा। डालने के बाद में सेलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट दबा दीजिएगा। नेक्स्ट दबाने के बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको अपलोड करने के लिए पूछेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि IVR हिमसेल्फ और अरसेल्फ डाल के बाद प्लेस अपना हैदराबाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपको नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिटेल्स अभी अपलोड नहीं किए हैं इसलिए वो नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे कि अभी उन लोगों ने बताया है मेरे मेल पे मेल आया है, तो आप उसको चेक करने के लिए हम लोग देख सकते हैं अपने मेल आईडी पे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस फिर फ्यूचर में कभी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों यहीं तक की थी वीडियो, और जल्द से जल्द मिलेंगे
एक नए वीडियो के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।